कर रहे हैं टॉप 100 टिप एंड ट्रिक्स के ऊपर, टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, और हम बात करने जा रहे हैं काउंट द वर्ड्स, मतलब कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई भी सेंटेंस आपने कहीं से लिखा या कहीं से कॉपी पेस्ट किया, तो उसका कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है ये कैसे पता चलेगा? जी हाँ, कैसे पता चलेगा कितने नंबर ऑफ वर्ड है? तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, और एक रैंडम सेंटेंस लेने के लिए हम वर्ड को खोलते हैं। अब यहाँ पे इक्वल RMD रैम दिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, एंटर मारोगे ना तो आपको एक रैंडम पैराग्राफ आ जाएगा। ये वर्ड एमएस वर्ड का एक फीचर है। जैसे रैंड फॉर्मूला आपने भी थोड़ा देर पहले बात किया हम रैंड फॉर्मूला के बारे में, तो रैंड फॉर्मूला क्या किया, तो रैंड फॉर्मूला के जरिए हमने रैंडम नंबर्स लिए, वर्ड में एक रैंडम पैराग्राफ देता है। कॉपी करता हूं और इसको एक्सेल के एक सेल में पेस्ट करता हूं, और मुझे पता करना है कि कितने वर्ड है, क्योंकि तो इसमें तो बता देता है ना। देखिए अगर मैंने इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया तो बताता है यहाँ पे कि 239 वर्ड्स हैं इसमें। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो इसमें बताता है कि 47 वर्ड है इसमें, तो चलिए इसमें करता हूं मैं। तो वर्ड कैसे पता चलता है स्पेस के अंदर कि कितने स्पेस है, तो मैं यहाँ पे लेन का फॉर्मूला लगाता हूँ, लेन इसको सिलेक्ट किया तो इसकी कंप्लीट लेंथ पता चल गई। फिर मैं सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला, एक सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला होता है किसी भी वर्ड के अंदर में किसी पर्टिकुलर करेक्टर को अनोदर करेक्टर से रिप्लेस करता है। तो मैंने बोला कि B2 में स्पेस को ब्लैंक से कर दे, मतलब कि स्पेस को रिमूव कर दे, इसका क्लोज कर दे कुछ नहीं, मतलब कि स्पेस को रिमूव कर दे, तो ये स्पेस को रिमूव कर दिया। फिर मैं इसकी लेन को काउंट किया, किसकी लेंथ क्या है, और फिर हम दोनों को विथ लेन माइनस विदाउट लेन माइनस कर दिए तो हमारे पास 46 हो गया। तो आप बोलोगे सर इसमें तो 47 बता रहा है, आप 46, तो लास्ट में जो एक स्पेस है ना इसको भी काउंट कर रहा है, लेकिन इसमें हमने लास्ट में स्पेस नहीं रखा हुआ है। अगर लास्ट में एक स्पेस दे देंगे तो यहां भी 47 हो जाएगा। इसलिए इतनी हमारी कैसे किस वर्ड को हम कैसे काउंट करेंगे इसके बारे में। इसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे अपने 25वें नंबर ट्रिक्स के ऊपर।